हेलो नर्स, वेलकम टू शिक्षा शास्त्र। लर्नर्स, ओडिशा रेगुलर हाईस्कल टीचर रो मेन्स एग्जाम पाई आम आपंकर पेडागोजी रो एमसीक्यू सीरीज बा मॉक टेस्ट कंटिन्यू करूथले, जो थे आम टार्गेट रखीछे 1000 एबव एमसीक्यू सीरीज को कंप्लीट करबा पाई मेन्स एग्जाम पूर्वरु। जेहेतु आपंकर मेन्स एग्जाम रो नोटिफिकेशन आसी जाइछि, त आम प्रत्येक दिन दुईटा लेखा एमसीक्यू सीरीज करबा को ट्राई करबा। आम पे आपंकर 15 एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट कर सारीछे, एटा आपंकर सीरीज नंबर 16, जो थे आम आहुरी 20 क्वेश्चन डिस्कशन तार प्रॉपर एक्सटेंशन करने को ट्राई करिबा। जो मैंने भी पे क्लास करूँ जहाँ जहाँ भी एक्सटेंशन कर तार शॉर्ट नोट्स बनई नियंतु, मुझे आपको प्रीमियर रे पे पकई नेबी, तो आप लाइव आसार आंसर देखा ट्राए करेंगे। ता सहित केतटा क्वेश्चन आप करेक्टली अटेम्प्ट कर पार्टी से कमेंट बक्स जनवे। सहित पे ट्राए करेंगे जहाँ जहाँ आपन को न्यूनेस मिलूची प्रत्येक क्लास रे, किछि तो न्यूनेस मिलूथिबो एक्सटेंशन रे, से गुडा को आपन ध्यान देबे, कारण से ही एक्सटेंशन गुडा को ही आपनकर कमिंग एग्जाम रे आसीबार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थाए। ठीक है बोले चलो तो क्लास स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड। गोटे गिफ्टेड पिलार कौन कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल भाव में भाव तार वैशिष्ट कौन फीचर्स कौन आधु कौ ट्रेड्सटा आपंकर कौ क्वाटा कौ कैरेक्टरिस्टिक्सटा गोटे गिफ्टेड पिलार आप भावतु आंसर धरी पिले। ऑप्शन सी पिले क्यूरियोसिटी एंड इनक्विजिटिवनेस। आम कहे जदि गोटे पिला क्लासरूम भितर तार जिज्ञासु मनोभाव अधिक थी, से क्यूरीयस थी किसी जिनस जानवापी एंजय कर पाठ पढ़ापाई क्विकली से लर्न करू पाकर तुलन से भल परफॉर्मेंस दे हायर परफॉर्मेंस हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देन अदर्स, से शो करू थी कि भल कैपेबिलिटीज तार अच्छे एबिलिटीज अच्छी से क्लासरूम एक्टिव थी ये किसी पिला कहे मन रखे बिले युवा गिफ्टेड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स कि लर्नर्स हु शोज हाई डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज लर्नर्स हु आर एक्टिव इन द क्लासरूम हु आर रेडी टू टेक ऑल दो चैलेंजेस हु एंजॉयज देयर वर्क प्रॉपरली जो मैंने क्विकली लर्न करती। आ गोटे क्वेश्चन आप आसला ये गिफ्टेड लर्नर को नहीं पिले कि गिफ्टेड लर्नर मैंने से मैंने जो मैंने अंडर स्टिमुलेट बा बोर फिल करेंगे जदि क्लासरूम टा चैलेंजिंग न हो क्लासरूम एक्टिविटीज गुड़ा चैलेंजिंग न हो ये गोटे क्वेश्चन आपंकर दे फिल अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग एनफ। तो से भाव में ये जो अन्य गुड़ाक कैरेक्टरिस्टिक्स कहूँ टिके टिके पॉइंट आउट कर नियंतु कि सर गिफ्टेड लर्नर हेले फुल्ली एक्टिव थे रेडी टू टेक ऑल दो चैलेंजेस क्यूरियस थे जो आम क्वेश्चन में देखिए क्यूरियस थे इनक्विजिटिवनेस थोड़ा पाठ पढ़ा को एंजय करुथे क्विकली लर्न करुथे हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस शो करुथे क्लासरूम से एक्टिवली एंगेज हो क्लासरूम से भावुए प्रीवियस नॉलेज सहित प्रेजेंट नॉलेज को प्रॉपर वे से इंटीग्रेट करेंगे एलाबोरेशन और रिफ्लेक्शन प्रॉपर वे दे पारे आम कह गए गिफ्टेड लर्नर बोली। ठीक है पे तो ये आपसर कौन हम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे व्हाट अडॉप्शन शुड ए टीचर मेक व्हाइल एंगेजिंग लर्नर्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड। एज ए टीचर आपण क्लासरूम डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर अच्छे से अच्छा जो मैंने विजुअली जो मैंने आपको कहीपर विजुअली इंपैक्ट किसी पिला अच्छा विजुअली चैलेंज किसी पिला अच्छा जो मैं प्रॉपर वे रे देखा जाऊन आम कहीपर ब्लाइंड हो फुली ब्लाइंड हो प्रोफाइंड प्रोफाउंड ब्लाइंड हो कि स्लाइटली ब्लाइंड हो किसी पिला अच्छा तो आप कौ प्रकार अडॉप्टेशन करें क्लासरूम एंगेज करवाई कौ प्रकार इनिशिएटिव आप पारे आंसर दे पे ये आपंकर कोडिंग क्वेश्चन मुझे कही कोडिंग क्वेश्चन अर्थ कौन ना सर रसगोला गोटे आसीगला तो आम कमी करवा कोडिंग क्वेश्चन को ना डिलेसन मेथड रे सर करवा आदर कौ ऑप्शन टा देखो हम ना आग कौटा नुहे बास्तव देखो सहीटा डिलेसन मेथड रे काटिदेवे ये ऑप्शन सीटे देखिए यूज ए भेरिटी अफ कलरफुल वर्कसीट्स आपड़ भावतु आपड़ कौन करेंगे ये जो मैंने भिजुआली इंपेयर्ड से किसी स्ट्राटेजी पचारूँ कि अडॉप्शन से आदि विभिन्न प्रकार विजुअली कौन कलरफुल वर्कसीट ये कलरफुल वर्कसीट से देखिपारे कि तुम ये यूज कले कौन लाभ हम
विभिन्न प्रकार इमेजेस शो कर तो विजुअली इंपैक्ट थी ना तो यहाँ किसी आवश्यकता ना तो ऑप्शन सी आम कटिज कौटी ऑप्शन सी अच्छे देखते सर यहाँ कटिगला ऑप्शन सी ये अच्छी ऑप्शन सी ये अच्छी कटिगला ऑप्शन सी ये अच्छी कटिगला तो आंसर आप कौन हो गया ये ऑप्शन टा आप आंसर हो गया सी नंबर जो आप अच्छी आई टू वाई आउ आई भी थे आप क्रॉस वेरीफाई करदेव जे युवा ठीक ना आई दे स्पीकिंग क्लीयरली एंड लाउडली विथ एप्रोप्रिएट पजेस आपन कौन करेंगे पज नहीं कि प्राय लाउडली कह कहते विजुअल इंपैक्ट से शुणी भल से बुझे ट्राए करेंगे यूज टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर बहुत सारा सॉफ्टवेयर अच्छी जो थे टेक्स्ट को सी स्पीच रे कन्वर्ट करदे जो कहने कि स्क्रीन थी स्क्रीन को सी रीडिंग करिवा स्टार्ट कर मानने से जो डिवाइसटा सॉफ्टवेयरटा तो शुणी बुझे ट्राए करेंगे यूज ए लॉट ऑफ टैक्टिकल बहुत स्किलफुल मटेरियल गुड़ाक यूज कर जहाँ पे निज्क एनगेज करेंगे तो ये आप आंसर कौन है कि सी ऑप्शन टा आप आंसर आई टू वाई आई भी नेक्स्ट क्वेश्चन पिले क्वेश्चन नंबर थ्री हुज द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस ए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम आदर कोटा आपण कर गोटे सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट सामाजिक संगठनवाद बा सामाजिक रचनावाद रचनावाद श्रेणी गृह गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स आपण बाहर करंतु बा कोटा आदर कैरेक्टराइज करूची गोटे सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रो पिले सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम पर के देतले मतवाद आंसर दिए रे ले भाई गोट्सकी तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे को भलिया लर्निंग को आमे प्रमोट करिबा तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर लर्नर्स डिस्कसिंग ऑन टॉपिक व्हाइल वर्किंग इन ए ग्रुप कारण आप जानते भाई गोट्सकी रेसिप्रोकल लर्निंग रेसिप्रोकल टीचिंग कथा कहते इंटरेक्टिव डायलॉग पिले पॉइंट गुड़ा सब मन रखे नोट डाउन कर ना इंटरेक्टिव डायलॉग उपर बेसी इंपोर्टेंस देचंती रेसिप्रोकल लर्निंग उपर बेसी इंपोर्टेंस देचंती प्योर कोलाबोरेशन उपर बेसी इंपोर्टेंस देचंती आपण जानिचंती तांकर जेडीपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रे से स्कैफोल्डिंग थ्रू रे केमिति प्योर गाइडेंस प्योर कोलाबोरेशन उपर बेसी इंपोर्टेंस देले सोशल मीडिएटेड लर्निंग कथा से कहिचंती सिचुएशनल लर्निंग रो इंपोर्टेंस कथा मेंशन करिचंती असिस्टिव लर्निंग कथा कहिचंती कोलाबोरेटिव डायलॉग कोऑपरेटिव लर्निंग यो सब बेसिक्स जिनस गुड़ा आप ले भाई गोट सिंह सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी था तो ताको आधार कर जो आप प्रश्न पचारूँ तो से अनुसार आप मन रखि था कौ कौ पॉइंट गुड़ाक अधिक इम्पोर्टेंस ठीक है तो ये आंसर कौन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टाइम मन रखिए परीक्षा आसूची मीनिंगफुल लर्निंग टेक्स प्लेस केत गोटे अर्थपूर्ण शिक्षण कहीपर मीनिंगफुल लर्णिंगटे होता है ये मीनिंगफुल लर्णिंगटा क्या सहित जड़ित किए कहीपर पे आंसर दि सर डेविड आसुबेल एक्सलेंट तो मत कह तुम्हें मैंने यार प्रपर आंसरटा कौन हम केत गोटे मीनिंगफुल लर्णिंगटे हो पार तो ये आंसर कौन हम ऑप्शन डी थ्रू एक्टिव इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विथ द एनवायरनमेंट जितेबले पिला एक्टिव इंटरेक्शन प्रॉपर वे रे पार्टिसिपेशन कौन हो पार आमर गोटे मीनिंगफुल लर्निंग टे हो पार तो मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिव इंटरेक्शन एक्टिव इनवॉल्वमेंट एक्टिव एंगेजमेंट हूँ सब प्रायर ठीक है पिले तो आम कहीपर आसुबेल मेनसन कर गोटे मीनिंगफुल लर्णिंग टे के बड़े हम जितेबाला क्लासरूम आप गए लर्नर टे अच्छी बहुत सारा लर्नर्स अच्छा से मैंने कौन कर पड़ते हैं जहाँ आप पढ़ाऊँ मेमोराइजेशन अपेक्षा से पाठ को भल से बुझे पार्थे लर्णिंग हुए लर्नर्स एबुल टू फोकस अंडरस्टाडिंग रादर दैन जस्ट मेमोरइजिंग केवल मन रखा स्मरण करने अपेक्षा बुझी पार्थे एवं जहाँ एक्जिस्टिंग नॉलेज अच्छी जहाँ स्टोर्ड फैक्ट्स अच्छी ता सहित जहाँ से वर्तमान पढ़ु रिलेट करिपरुथिबे इंटीग्रेट करिपरुथिबे प्रोसेस व्हेयर लर्नर्स एबल टू रिलेट न्यू इवेंट्स टू ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट जहाँ आपणकर एक्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट अच्छी ता सहित से वर्तमान नॉलेज को रिलेट करें कहीपर मीनिंगफुल लर्निंग टे हो
ताले साधारण प्रश्न सर मीनिंगफुल लर्निंग केते बेले हबो ना जेते बेले गोटे लर्नर एज ए टीचर आपण पिलांको फोकस करूचंती लर्निंग रे अंडरस्टैंडिंग उपरे ताहाले मीनिंगफुल लर्निंग हे परिबो आपण से लर्निंग जेते बेले पिलांकर को एबुल करूची जहाँ तंकर प्रीवियस लर्न नॉलेज अछि जहाँ तंकर एक्जिस्टिंग नॉलेज अछि ता सहित वर्तमान नॉलेज को रिलेट करचंती एक्सटेंशन करि परचंती रिफ्लेक्शन करि परचंती ताहाले मीनिंगफुल लर्निंग ते हे परिबो तो कौन कौन बेसिक रहिला पिले सर पिलाटा एक्टिवली एंगेज होथिया दरकार एक्टिव इंटरेक्शन करथिया दरकार प्रीवियस नॉलेज रो रिलेवेंस को से जानि परथिया दरकार वर्तमान नॉलेज सहित जहाँ से नॉलेज गेन कर प्रॉपर वे रे इंटीग्रेट कर परथिया दरकार रो कमे कोचे इंटीग्रेशन होथि एक्जिस्टिंग नॉलेज आउ प्रॉपर वे रे एलाबोरेशन आउ रिफ्लेक्शन कर परथिया दरकार ताहाले आमे कहबा गोटे मीनिंगफुल लर्निंग टा हमरो पॉसिबल हे परछि तो ये अपन आंसर कौन है पिले ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर थ्रू एक्टिव इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विद द एनवायरनमेंट ये किसी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको मेंशन करने चाहिए ये भी आप देखने एक्टिव पिला थी दरकार प्रॉपर वे मैनिपुलेशन ऑब्जर्वेशन कर पारुथिबो कंस्ट्रक्टिव थी दरकार कोऑपरेटिव ऑथेंटिक आउ इंटेंशनल किसी गोल ता माइंड रे थी दरकार बा गोल डायरेक्टेड थी दरकार क्वेश्चन नंबर 5 एटा बडे कोडिंग क्वेश्चन आसला त आराम से अपन करि परिबे इफेक्टिव टीचिंग वुड रिक्वायर ओडे इफेक्टिव टीचिंग टे कोन रिक्वायर करूची आंसर दे बेले डिलीशन मेथड आ काटि देबो कहिदिन तुमनकु फोकसेशन रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स गोटे भलो उत्तम फलप्रद शिक्षा दनटे कोन रिक्वायर करूची कोन आवश्यक करूची आम केवल पिला कह कि तुम फैक्ट को घोषिक आस केवल कह रिप्रोडक्शन खाली कर से जो फैक्ट गुड़ा जहाँ पढ़ी घोषित मन रखी तो रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट से मेमोराइजेशन लेवल यहाँ गोटे इफेक्टिव लेवल हम ना तो ये आप कटिगला ऑप्शन आई कटिगला जो ऑप्शन आई अच्छे आप काटिदेवे ना ये अच्छे सर ये अच्छी आ रहा दुईटा नेक्स्ट ऑप्शन गुटा पढ़ी चलतु फोकसेसन टेक्सट बुक्स आज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज केवल आप टेक्सट बुक को फोकस करेंगे कि टेस्ट बुक यदि फोकस करले तले टेस्ट बुक सेंटेड हो गला तले इफेक्टिव टीचिंग हबो नाही देखिए फोकस इज ऑन टेस्ट बुक सेटा के टेस्ट बुक के बड़ गोटे सोर्स ऑफ नॉलेज नहि एन नंबर ऑफ सोर्स अछि अपन को नॉलेज रो तार एक्सपीरियंस हो अथॉरिटी हो डिफरेंट मटेरियल्स हो विभिन्न प्रकार आमे जिनस को कहि परबा सोर्स ऑफ नॉलेज रे तो ऑप्शन 2 अपन को कटि गला 2 गोटे देखन 2 आइटा सर 8 अछि तो ये अपन को गोटे बोली गला कोन ना थर्ड आई आउ आई भी खाली वेरीफाई करदे से थर्ड आई आउ आई भी ठीक अच्छे कि ना थर्ड आई रही क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड पर्सपेक्टिव्स जहाँ फैक्ट अच्छे जहाँ आपंकर पर्सपेक्टिव अच्छे क्रिटिकली एनालाइज करेंगे समालोचनामूलक आलोचना आपको ट्राए करेंगे पीला सहित गिविंग प्राइमेसी टू द प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर पिला पूर्व कौन एक्सपीरियंस गेन करते इम्पोर्टेंस देते कारण आम टीचिंग में कौन ना पिला प्रारंभिक प्रश्नवली पचारे कहीं पिला कौन जानते थ्रू में आम एनगेज प्रॉपर वे पाठ्य विषय वस्तु को भलसे आसी पार तो ये डिलेशन मेथड जाणीगले ऑप्शन आपंकर बी इज द करेक्ट आंसर जो थर्ड आई आउ आई भी ठीक है पिले क्वेश्चन नंबर 6 इफ ए चाइल्ड हाज द मेंटल एज ऑफ 5 तार मेंटल एज देला 5 एंड ए क्रोनोलोजिकल एज ऑफ 4 देन व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ ए चाइल्ड पिले आईक्यू हमको पचारा आईक्यू मेजर करिबार फॉर्मूला कौन आपन को ना सर मेंटल एज बाय क्रोनोलोजिकल एज इनटू 100 तो सही फॉर्मूला आपन पके देबे एटी मेंटल एज केते 5 क्रोनोलोजिकल लोड का में कुछ रियल एज बाय 4 इनटू 100 तो ये आप काटिदे 4 काटले 25 जो 100 25 पंचा आप करदे 125 तो ये आप आंसर है 1 to 5 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है पिले क्वेश्चन नंबर 7 द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन आर आधर कौट आप गोटे कार्डिनल प्रिंसिपल्स गोटे लर्नर सेंटर्ड बा शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षार गोटे कोटा प्रिंसिपल आपण लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग बाय लिविंग बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ द अबव आंसर दियर प्ले पिले
लर्नर सेंटर्ड पचारा आपन को शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षार्थी केन्द्रिक हेल्ले आपड़ कौन करेंगे ना सर लर्नर को बेस इंपोर्टेंस दिखा दरकार लर्नर आज द सेंटर ऑफ द लर्निंग लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेशन करुवा दरकार से कार्य माध्यम से शिखुवा दरकार लर्निंग बाय डूइंग आम कहे लर्निंग बाय लिविंग माध्यम जानुवा दरकार ऑटोनोमी प्रोवाइड करुवा दरकार डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट थी दरकार मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फ्रीडम प्रोवाइड करुवा दरकार ताहले आम कहीपर गोटे लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन प्रिंसिपल गुड़ाक तो ये आपका आंसर कौन हम ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 पिले एज ए टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव हाइगोट्स्की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रिफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स आपण जने शिक्षक आपण हाइगोट्स्की को फॉलो करुछंती ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଓରିକୁ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ସକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ପିଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆସିଲେ ଦେବେ ପିଲେ କି ନା ସାର୍ ଆମେ କୋଲାବରେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବୁ କି କୋଲାବରେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରି ଶିଖିବେ ତ ଏଠି ପାଇଁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କୋଲାବରେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ କି କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଡାଇଲଗ୍ ହଉ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉ ପିଓର ଟ୍ୟୁଟରିଂ ହଉ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଏଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଭାଇଗୋଟ୍ସିଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ବା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन आदर कोट आपनकर गोटे कॉग्निटिव डोमेन रो करेक्ट सीक्वेंस आंसर दरे पिले पिले कॉग्निटिव डोमेन कथा के कहिले एगुडा पिले आपनकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने पछारे छि क्वेश्चन छुडा को ना आपनकर ब्लूम्स कर टैक्सोनॉमी मन पकांदो पिले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे कॉग्निटिव अफेक्टिव आ साइकोमोटर कथा मन पकांतु कॉग्निटिव डोमेन रो फार्मूला आपण कहितली कोन मन रखिया पई ना के सी ए ए एस ई ए निमोनिक्स ता मन रखंतु ए शॉर्टकट ता मन रखंतु आपण को कॉग्निटिव डोमेन ता पूरा मन पडचिबो कोन के रे हला नॉलेज सी रे हला कॉम्प्रेहेंशन ए रे हला एप्लीकेशन ए रे हला एनालिसिस एस रे हला सिंथेसिस ई रे हला इवैल्यूएशन के सी ए एस कौटे अच्छे ऑप्शन डी अच्छे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एटा परवर्त समय पुणी रिवाइज कर आलेक्जेंडर थ्रो रे तो रिविजन हेला पर आपंकर कोन हेतला ना हेतला प्रथम रिमेम्बर तापर आपंकर अंडरस्टैंड अप्लाई एनालिसिस इवैल्यूएट बाय इवैल्यूएशन देन आपंकर क्रिएटिविटी बा क्रिएटिव तो एई अनुसार देखिया रिविजन अनुसार हाईएस्ट लेवल हेला आपंकर क्रिएटिविटी କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲୁମ୍ସ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଲେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲ ହେଲା ଇଭାଲୁଏସନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତ ଏଇଟା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ପଳେଇଲା ତା ସହିତ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ଏଇଥର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ଧର ପୂର୍ବଥର ପଚାରିଥିଲା କେବେ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ପଚାରିପାରେ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ର କ'ଣ ସିମ୍ପୁଲ ଫର୍ମୁଲା ନିମୋନିକ୍ସରେ ମନେ ରଖିବେ ନା ସାର୍ ଆର୍ ଆର୍ ଭୋକ୍ आर आर भोक आर रहला आपन कोन ना रिसीविंग आ गोटे आर रहला रेस्पोंडिंग वैल्यूइंग भी रहला वैल्यू आ वैल्यूइंग ओ रहला ऑर्गेनाइजिंग सी रहला कैरेक्टराइजिंग आर आर भोक सेमिति आपन आ गोटे कोन हला ना साइकोमोटर डोमेन साइकोमोटर डोमेन रो केन मन रखिबे ना सर इम्पान जो पान खाउछन्ती एमिति मन रखि देबे इम्पान आई रे कोन आई रे हला ना सर इमिटेशन एम रहला मैनिपुलेशन पी रहला प्रिसिशन ए रहला आर्टिकुलेशन एन रहला नेचुरलाइजेशन पिले मु एमती बहुत जते जते सब जिनस रहा आप सिंपल रे मन रखिदेवे ना सर गोटे हला के सी ए एस ए आ गोटे हला आर आर भोक आ गोटे हला इम्पैक्ट कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचिंग आदर कोटा आपनकर उत्तम शिक्षण रो कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे आंसर दे पिले
एटा बहुत सिंपल पिले आपनकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ना सर गोटे उत्तम शिक्षण केबे ऑटोक्रेटिक हे परिबो नै ऑटोक्रेटिक हे गेले एटा गोटे टीचर सेंटर्ड टीचिंग हे जिवो तो आ टीचर सेंटर्ड को हम कहबे लडर गुड टीचिंग कहिबा नाहि जे तमे 25 सेंसर रे सब बेले लर्नर को फोकस करूचे शिक्षार्थी केंद्रीय कथा कहूचे शिक्षण पर बेसी गुरुत्व आरोप करूचे तन को ऑटोक्रेटिक हेले एटा आपनकर गोटे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स बा गोटे उत्तम वैशिष्ट्य बा लक्षण नहि क्वेश्चन नंबर 11 पिले एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय प्ले एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के देथले अपन को आंसर द ट्राई करंतु एट अपन को ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विक्टर ब्रूम प्ले एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन रे तीनटा जिनस से कहले यदि कोचनी गोटे इंडिविजुअल केतबेले मोटिवेटेड हबो जेतबेले एई से तीनटा जिनसटा को प्रॉपर वे रे करि परथिबो ठीक है सम पर्सन्स और इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग बाय थ्री थिंग्स कौन तीन जिन कही गोटे एक मन रखिए इ रहा है एक्सपेक्टेंसी आई रहा है इंस्ट्रुमेंटालिटी एवं भी रहा वैलेंस ये जो तीन टा जिन कहे आ थ्रू रे गोटे पर्सन मोटिवेटेड हो पारे जेकोसी कार्य करने इ एक्सपेक्टेंस से कौन कही पिले कहले जी गोटे पर्सन बिलीव करुची ता एफर्ट उपरे अर्थात जदि मु एफर्ट दिए ताहले मोर भल परफॉर्मेंस हम अर्थात से एक्सपेक्ट करुची जदि मु मोर एफर्ट देबी ताहले मोर सक्सेस पाइबी विल माय एफर्ट लीड टू हाई परफॉर्मेंस ताहले कहिबा से पिला अधिक मोटिवेटेड हो पारे तापर आम कह इंस्ट्रुमेंटालिटी आई रे इंस्ट्रुमेंटालिटी कौन लोग से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो पार अर्थात से बिलीव करुची जदि मु भल परफॉर्मेंस दौची ताहले मते भल रिवार्ड टे मिलिब अर्थात जदि मु मो टार्गेट को परिपूर्ण करि परुची ताले मते भलो रिवार्ड मिलिब अर्थात परफॉर्म वेल एंड यू विल गेट रिवार्डेड सेठी क्वेश्चन आसी करिब कि विल माय परफॉर्मेंस लीड टू आउटकम और रिवार्ड जदि मो परफॉर्मेंस मु भलो से करुची ताले कोन मते भलो रिवार्ड मिलिब ताले से भलो से मोटिवेटेड हे परिब तीन रे आपण जो कहली वैलेंस वैलेंस हैला रिवार्ड ओरिएंटेड गोटे हैला एफर्ट ओरिएंटेड एक्सपेक्टेंसी आउ इंस्ट्रुमेंटल हैला परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वैलेंस हैला रिवार्ड ओरिएंटेड एड से जहाँ रिजल्ट पाइला जहाँ आउटकम ताको आसिला जदि ताको से वैल्यू दे परुची अर्थात वैल्यू द रिवार्ड एसोसिएटेड विथ अ स्पेसिफिक रिजल्ट और टारगेट्स और बिहेवियर ताहले मध्य से मोटिवेटेड हो पारे से क्वेश्चन से आम कही कि डू आई फाउंड द आउटकम डिजेरेबल जहाँ मुझे सीटा डिजेरेबल कि यदि से वैल्यू दौले से प्रपर वे मोटिवेटेड हो पारे तीन टा जिन सिंपल ये किसी मानने डिफिकल्टीज ना एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन रे आपंकर ब्रूम्स कहले कि तीन टा फैक्ट बा तीन टा कारण तीन टा रिजन पिला प्रपर वे मोटिवेटेड हो पार जी भी कि हो गोटे एक्सपेक्टेंसी थी दरकार इंस्ट्रुमेंटालिटी आ गोटे वैलेंस या भल वे टे सर्ट नोट्स करने क्वेश्चन नंबर 12 पिले बहुत बढ़िया क्वेश्चन पिले व्हिच वन इज नॉट द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग आदर कोट आपंकर मैक्सिमम ऑफ टीचिंग नुहे बा मैक्सिमम ऑफ टीचिंग रे गोटे प्रिंसिपल गोटे टेक्निक्स नुहे आंसर दे पिले पिले मैक्सिमम ऑफ टीचिंग कौन आपंकर मैक्सिमम अर्थात आम कहे शिक्षादान साधारण तत्वोक्ति शिक्षादान तत्वोक्ति ओडिया रे में कहू अर्थात पिला पाठ पढ़ा समय किसी टेक्निक्स किसी रूल्स को फॉलो करते जहाँ मध्यम पाठ पढ़ा को फलप्रद करते अर्थपूर्ण करते जो जो टेक्निक्स मध्यम जो जो प्रिंसिपल्स मध्यम जो जो मेथड्स मध्यम शिक्षादान फलप्रद अर्थप्रद हो पारे से गुड़ा आम कहे मैक्सिमम ऑफ टीचिंग सो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग कौ कौ सब टेक्निक्स यूज करूँ आम इनडेफिनेट टू डेफिनेट आड़ गति करूँ अनिश्चिंत रु निश्चिंत आड़ को कहे सीन टू अनसीन आड़ को गति करूँ पिला जो देखी थे से गुड़ा देखू तापर अदृश्य आड़ को गति करूँ अर्थात दृश्य रु अदृश्य आड़ को सिंपल टू कम्प्लेक्स आम सरल जटिल आड़ पिला गति करवा ये तीन टाइप टेक्निक्स कितु ये आप नुहे फ्रम डिडक्शन टू इंडक्शन फ्रम इंडक्शन टू डिडक्शन आम गति करूँ जो आम कहते फ्रम पर्टिकुला टू जेनराल विशेष रु आम साधारण आड़ को गति करवा तो ये आप आंसर फ्रम डिडक्शन टू इंडक्शन इज नॉट ए प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स ऑफ द मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग पिले पिला सेमिस्टर पढ़ला बेले बहुत सारा टेक्निक्स मैक्सिमम टीचिंग रो प्रिंसिपल्स कही नहीं थी
ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଆଡ୍ ଅନ୍ କରିଦେଉଛି ତା ଦେହରେ ସବୁ ତ ଏଠି କହିବା ଗୋଟେ କମ୍ ସମୟ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ପିଲା ବି ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ତ ବହୁତ ସାରା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କହି ହେଉନି ପିଲେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇବା, ପ୍ରୋସିଡିଂ ଫ୍ରମ୍ ନୋନ୍ ଟୁ ଅନ୍ନୋନ୍, ସେ ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ସ। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କଂକ୍ରିଟ୍ରୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଆଗ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆଗ କଂକ୍ରିଟ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟାଞ୍ଜିବୁଲ୍ ଟଚେବୁଲ୍ ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପଢ଼େଇବା, ତାପରେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଥିଲେ ମୃତରୁ ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରୁ ପରୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଅତି କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ସିନ୍ଥେସିସ୍କୁ ଯିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଟେକ୍ନିକ୍ସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା। ଆଗେ ହୋଲ୍ ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ ପାର୍ଟ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଆଂଶିକ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗତି କରିବା। ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗ ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ଆଭେଲ୍ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲକୁ ଯିବା, ପ୍ରାକୃତିକରୁ କୃତ୍ରିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା। ଏସବୁ ପିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟି ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ପିଲେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦାଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ଆଧରୁ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଇଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଶିକ୍ଷଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରେ, ଆଧରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହେଁ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁନଥିବା କେଉଁଟା ଆଧରୁ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହେଁ। ମୋଟିଭେସନ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାୟାର, ନେଚର ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିଲେ। ମୋଟିଭେସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାୟାର, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ନେଚର ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଦରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିଲେ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କେତେ ପିଲେ ଫେସ୍ କଲେଣି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ରିଲେଟିଭ୍ଲି ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ବିହେଭିଅର, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅବଜର୍ଭ, ଏଇଟା ପିଲେ ଆପଣ ଆଗ ଭାବନ୍ତୁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏହାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍, କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବା, କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅବଜର୍ଭେବୁଲ୍ ବୋଲି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛେ ନା କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରିତ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରିତ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବୋଲି ଅଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ କହିଲେ ମୋତେ ସାର୍? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍, ଏନି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ କହୁଛେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ସାଇଡ୍ସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଲର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ପାଖରୁ ବି ଲର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ସାର୍ ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ପରିବେଶ ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା, ସମଯୋଜନ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସାର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ କନ୍ସିୟସ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ରେସ୍ମାର୍କ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କାହାର ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂର, କିନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅବଜର୍ଭେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହ୍ୱିଚ୍ ଟର୍ମ ଡିଫାଇନ୍ସ ଦ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟିସ୍, ଆଦୃ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟିକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି? ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ, ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ, ଡିଷ୍ଟୋଫିଆ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିଲେ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଇଜି ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ଭଲସେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିଛେ, ଆପଣ କ'ଣ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ପିଲେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍, କେଉଁ ଭଳିଆ ଲର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଜେନେରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଓନ୍ଲି ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଓନ୍ଲି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିଲେ। ଯେଉଁଠି ଓନ୍ଲି ଆସିଲା ଆପଣ କାଟିଦେବେ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ମାନେ ଅଲ୍, ଓନ୍ଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଲର୍ଣ୍ଣର୍ମାନଙ୍କୁ ନା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲର୍ଣ୍ଣର୍କୁ, ସେ ଜେନେରାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ହଉ କି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ହଉ, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ନିଡ୍ସ, ଆଦୃ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କଥା କହୁଛେ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରାଇବା, ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ତା ଦେହରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ନା? ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ୍। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିଛେ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରୁ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18, ହୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପେୟାର୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ, ଆଦେହରୁ କେଉଁ ପେୟାର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିଲେ।
स्टिमुलस रेस्पन्स थ्योरी थंडाइक आपण जानते ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनर क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग पैवलोव हॉलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग ये आपंकर हॉलकर नुहे हॉलकर सिस्टमेटिक लर्निंग थ्योरी आम कहे तो ये आप आंसर कौन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 बेनस्ट्रोमिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आदर कोट आपंकर डेवलप करने इम्प्रूव करने बेनस्ट्रोमिंग टेक्निक्स यूज करुचु को कैरेक्टरिस्टिक्स टा को कैपेबिलिटीटा आम करें ये ऑप्शन सी क्रिएटिविटी इज द करेक्ट आंसर पे बेनस्ट्रोमिंग को लेकिन क्वेश्चन आपंकर प्रीवियस बहुत सारा एग्जाम पचार तो बेनस्ट्रोमिंग टेक्निक्स टा मॉडल्स टा आपंकर किए बे हाइलाइट करते पॉपुलराइज करते आट्रिब्यूटेड क्या जाए ना सर एफ ऑसबोर्न मन रखे यहाँ ऑसबोर्न को जाए कि बेनस्ट्रोमिंग टेक्निक्स क्रेडिट जाए तो सी प्रोपागेट करते आपंकर बेनस्ट्रोमिंग टेक्निक्स मध्यम जो थे कहले कि स्पोन्टेनियस आइडियाज गुड़ाक जो लर्नर जेनेट करेंगे पार्टिसिपेशन करके निजे एक्टिव रोल प्ले करके पिलांकर क्रिएटिविटी एनहांसमेंट हो पार ठीक है जो थे आम कौचे कि धर तो मुझे आपंकर ब्लाकबोर्ड लिखीदेली गोटे टर्म मुझे लिखिदेवी भाइकोट्स्की से सब पिला कह कि समस्त चिंता कर भाइकोट्स्की समस्त गोटे लेखा ओपिनियन ओपिनियन दे सीता आहरी ओपिनियन देला सी पुणी आहरी ओपिनियन देला तो ये आम स्पोन्टेनियसली आइडियाज को जेनेट करुचे क्या थोड़े ना बेनस्ट्रोम मध्यम ठीक है बेनस्ट्रोमिंग करेंगे केते नुआ नुआ आइडियाज आसो पिला निजे से आक्टिव रोल प्ले कला आक्टिव पार्टिसिपेशन कला न्यू आइडिया को जेनरेट कला एवं डिफरेंट जो आइडिया अच्छी ता मध्यरे मध्य आम एसोसिएशन कर गोटे नॉलेज को जेनरेशन कर पारिबा न्यू नॉलेज को हमें फाइंड आउट कर पारिबा ठीक है बोले सो बेनस्ट्रोमिंग टेक्निक्स क्रिएटिविटी एनहांसमेंट पे इम्प्रूवमेंट पे यूटिलाइजेशन करा जाए एवं बेनस्ट्रोमिंग टेक्निक्स ता आपनकर ऑसबोर्न बेसी हाइलाइट करथिले. लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 फाइंड द ऑड वन आउट ऑड वन आउट फिले आदर कौटा आपंकर ऑड बा कौटा अलग आदर बाछिबे थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स ड्राइव डिडक्शन थ्योरी थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन आंसर बिले पिले आदर मैक्सिमम जिनस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्योरी सहित जड़ित ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बहुत बार आपको एग्जाम पचारे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग माने कौन करें बिले सर कैरी ओवर ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन सर मु कार चलेबा सिखिथली जेतेबेले मु ट्रक चलैली बस चलैली मत हेल्पफुल है अर्थात मो नॉलेज को क्यारि ओभर करी कार चलैबारु बस चलै जाके सेटा मु कहबी मो नॉलेज रे मु ट्रांसफर करी पारली अर्थात ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आम कौन कहे कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज ट्रेनिंग एंड हैबिट्स एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन गोटे सिचुएशन आप जहाँ सीखी यदि आउ गोटे सिचुएशन आपको शिक्षण में सहयोग करुच्छे किंबा आपको प्रोब्लेम क्रिएट करें कह ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो थे बहुत सारा थ्योरीज थी टाइप्स थी आपको पढ़े थी भी कही नॉर्मली पॉजिटिव ट्रांसफर नेगेटिव ट्रांसफर आउ जीरो ट्रांसफर पॉजिटिव ट्रांसफर को आम दीप्वार विभक्त करते कौन ना वर्टिकल ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर बायलैटरल ट्रांसफर आउ एवं थ्योरीज बहुत सारा कही जो थ्योरीज गुड़ा थी मन रख दिंतु पिले थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन तो कई आम कहू थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन या कहते फैकल्टी थ्योरी फैकल्टी डिसिप्लिन देखे किए कहते थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स ये आपंकर थॉर्नडाइक आइडेंटिकल एलिमेंट्स गोटे थी थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन थ्योरी ऑफ कॉन्फिगरेशन थ्योरी ऑफ आइडियल एगुड़ा आप सब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्योरीज बा से केमी आम नॉलेज को आमर जहाँ हैबिट्स गेन करें ट्रांसफर कर पारा तार रिलेटेड से थ्योरीज गुड़ाक तो ये आपंकर ऑप्शन सी इज नॉट वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो ये आप आंसर कौन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है लगे भलसे प्रिपेरेसन करूँ आम बहुत जिन आज जानवाक पाइले किसी नुआ जिन भी डिस्कसन आप सहित करी से गुड़ा ट्राए करेंगे टी आप मन रखापी जो गुड़ाक बेसिक्स जिनस कि सर गिफ्टेड लर्नर कौन गिफ्टेड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन आसुबेल मीनिंगफुल लर्निंग कौन मीनिंगफुल लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कॉग्निटिव डोमेन जो मुझे कहली केसीए एएससी अफेक्टिव डोमेन आर आर भोक साइकोमोटर इम्पान भ्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी तीन टा जिन आपको कहली एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रुमेंटालिटी और भैलेंस
ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟିଚିଂ କଥା କହିଲି, ଶିକ୍ଷାଦାନର ତତ୍ତ୍ୱୋକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା ପାଖାପାଖି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କହିଲି ବା ଟେକ୍ନିକ୍ସ କହିଲି ଯାହାଥିରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ ଆଉଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କଲେ। ବେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋମିଂ ଅସବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ବେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋମିଂ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କିଛି ଥିଓରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିନେଲି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ମେନ୍ସ ଯାଙ୍କେ ପିଲେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ 100% ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବନାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି, ଯେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ମେନ୍ସକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ଟିଚର୍ ହେଇକି ଫିନିଶ୍ କରିବି।